डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एक्टिविटी नंबर 24 ऑफ 8th क्लास, सब्जेक्ट इंग्लिश। देखिए, जो ये जो एक्टिविटी है, दिस एक्टिविटी इज अबाउट कॉम्प्रिहेंस द पैसेज, जो अनसीन पैसेज होता है उसको समझना, उसको पढ़ना और उसके नीचे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसको, उसके आंसर्स फाइंड आउट करना, ये इस एक्टिविटी का मकसद है। जैसे देखिए, यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज करेक्ट आंसर। आपको ये पैसेज जो है वो रीड करना है और नीचे दिए हुए जो क्वेश्चंस है उसमें से सही जवाब जो है आपको सेलेक्ट करना है। तो पहले जो आप इस पैसेज को रीड कीजिए, यू हैव टू रीड दिस पैसेज पैसेज यूर सेल्फ। आपको खुद ये पैसेज को पढ़ना है, उसको समझना है और फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। इस ताल्लुक से मैं आपको कुछ गाइडलाइंस देते चलूं कि जब हम पैसेज पढ़ रहे होते हैं तो एट दैट टाइम हम कुछ ऐसे वर्ड्स का सामना करते हैं विच आर अननोन टू अस या विच आर न्यू टू अस, जो हमारे लिए नए होते हैं, अननोन होते हैं। सो वी कैन फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी। किस तरह से फाइंड आउट करना, मैंने आपको इससे पहले बताया है। और फिर जरूरी नहीं कि हम वर्ड टू वर्ड इसके मीनिंग समझते चले, बल्कि वी कैन अंडरस्टैंड द होल मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस। तो देखिए, ये जो पैसेज है, दिस इज अबाउट द बुक्स, ये बुक्स के बारे में। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं उसका बेसिक आइडिया कि मॉडर्न एज में हम देखते हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स। पहले जमाने में ज्यादा किताबें नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत सारी किताबें हमको, अगर हम पढ़ना चाहें तो अवेलेबल होती है। लेकिन हमको वो किताबें पढ़ना है कि विच आर रियली बेनिफिशियल फॉर अस, जो हमारे लिए मददगार साबित हो सकती है, जो हमारी जो स्पिरिचुअल जो फीलिंग है उसके लिए जो फायदेमंद हो सकती है ना, जो हमारी रूहानी ताकत को बढ़ाती है, जो हमारे नॉलेज को बढ़ाती है, ऐसी किताबें हमको पढ़नी चाहिए। तो उसके ऊपर ये पैसेज है। तो पैसेज आप रीड पहले रीड कीजिए, देन नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको राइट डाउन करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, आप एक्टिविटी दी हुई है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट वन, यानी पैसेज को पढ़ना है और जो सही जवाब है उसको चुनकर लिखना है। दिया हुआ है वी शुड बी सिलेक्टिव बिकॉज, यानी हमें किताबें जो है वो सही तरीके से चुनना है, क्योंकि अब उसकी वजह क्या है। तो नीचे ऑप्शन दिए हुए, देयर इज अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल टू अस, यानी बहुत सारी किताबें ऑलरेडी हमारे लिए मौजूद है। देयर इज स्कैर्सिटी ऑफ बुक्स एंड देयर आर ओनली बैड बुक्स इन द मार्केट, ये तीन ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। एंड यू हैव टू फाइंड आउट विच इज द करेक्ट आंसर बाय रीडिंग द गिवन टेक्स्ट। तो इस तरीके से हर एक के नीचे सर, वी शुड अवॉइड दोज बुक्स विच, हमें उन किताबों को अवॉइड करना चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए जो के। तो अब नीचे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कोई एक आपको लिखना है। देन नंबर थ्री, द बुक्स विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड। फिर नीचे तीन ऑप्शन दिए हुए, उनमें से कोई एक आपको चुनना है। और ये तमाम लिए गए हैं दिए हुए पैसेज से। नंबर फोर है, वॉट इज आर स्पेशल क्वालिटी और क्वालिटीज ऑफ क्लासिक्स, है ना, क्लासिक्स की खूबियां क्या है। तो नीचे ऑप्शन है। देन नंबर फाइव दिया हुआ है, एन एक्सप्रेशन इन द पैसेज विच मीन्स गुड इफेक्ट इज, गुड इफेक्ट यानी क्या। तो नीचे चार ऑप्शन दिए हुए, उन चारों में से कोई एक आपको लिखना है। तो इस तरीके से आप पैसेज पढ़कर जो है इस एक्टिविटी को हल कीजिए। देन एक एक्टिविटी यहाँ पर आपको समझाने के लिए दी हुई है कि सम टाइम व्हाट हैपेंड कि वी हैव टू आंसर इन अ वर्ड, कभी कभी एक वर्ड में भी हमको आंसर लिखना होता है। तो वो भी एक स्किल होती है कि किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन का आंसर सिर्फ हम एक वर्ड में लिखे। दिया हुआ है, व्हाट कलर इज द स्काई, स्काई का कलर क्या है। तो आंसर क्या रहेगा, ब्लू, यानी सिर्फ उसका जवाब जो रहेगा वो रहेगा ब्लू इन अ वर्ड, एक लफ्ज में। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि जिसका जवाब हमें सिर्फ एक वर्ड में लिखना होता है। अब यहां पर कुछ देखिए, यहां पर एक वीडियो की लिंक दी हुई है विच इज फ्रॉम दीक्षा ऐप। तो उसकी उसे उसमें भी जाकर आप जो है उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। इसकी जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको शेयर की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल की लिंक दी हुई है, आप उसे डाउनलोड कीजिए। तो वहां से आप जाकर जो है इस एक्टिविटी में इस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। तो आई होप के आपने
इस एक्टिविटी को अच्छी तरीके से समझा होगा। अब इसमें सिर्फ आपको करना क्या है कि ये जो दो एक्टिविटी दी हुई है, एक इसमें जो एक एक्टिविटी दी हुई है जिसमें आपको दिए हुए क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस है उसमें सही ऑप्शन जो है फाइंड आउट करना है, वो एक्टिविटी आपकी आपको कंप्लीट करना है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन गुड बाय।